शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शील डायघर के इलाके में 30 अप्रैल रविवार को सकल हिंदू समाज की तरफ से हिंदू सभा का आयोजन होने वाला है, जो काफ़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ये कार्यक्रम DK दास महाराज ग्राउंड में होगा। इसकी तैयारी भी करीब 1.5 से 2 महीना पहले से ही शुरू कर दी गई थी। 30 तारीख को होने वाले हिंदू सभा का अहम मुद्दा जो बताया जा रहा है वो लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण के मामलों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में काजल हिंदुस्तानी सहित कई और लोग आने वाले हैं, इसी जानकारी आयोजकों की तरफ से दी गई है। करीब 25 से 30 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। 30 अप्रैल 2023 रविवार को सकल हिंदू समाज की तरफ से हिंदू सभा का आयोजन शाम 4 बजे से किया जा रहा है। आयोजकों ने इसके बारे में क्या बताया है आपको सुना। 30 अप्रैल को शाम को 4 बजे हिंदू जन जागरण सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में करीबन 25 से 30 हज़ार लोग आने वाले हैं और इस सभा में वक्ता जो है काजल ताई हिंदुस्तानी, जैन मुनि जी और भारतानंद सरस्वती और साध्वी सरस्वती ताई, ये 4 वक्ता है। और इस स्टेज पर हमारे चारों वक्ता का उनका भाषण होने वाले है। इसका प्रास्ताविक जो है अपने इस अमरनाथ के हबप श्री वारिंगे महाराज ये प्रास्ताविक करने वाले हैं। तो इस सभी का नियोजन पूरा तैयार हुआ है। अभी कितने लोग यहाँ पर बैठने की आपने व्यवस्था की है? 25 से 30 हज़ार लोग बैठ सकते हैं। ये सभा क्यों की जा रही है? ये लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतर जो हो रहा है ये रोकने के लिए और सरकार से दरख्वास्त करने के लिए हमने किया है कि ये जो इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई ऐसा एक कायदा निकाले। साधारण कुठली गाँव यामध्ये समाविष्ट झाली आहे? इस परिसर में कलवा से लेके कलवा मुंब्रा से लेके यहाँ के मलंग पट्टी, श्री मलंग पट्टी जो है, फिर कल्याण डोंबिवली और इस तरफ रायगढ़ के जो बाउंड्री पे है जैसे धरना रोहिंजन, इस तरफ से है न्यू बॉम्बे से कुछ गांव के लोग आने वाले हैं। इस सभा में कौन कौन से राजकीय नेते यहाँ पर आने वाले हैं? इस सभा के सभा में राजकीय नेते तो सबको हम लोग ने बुलाया है, जैसे कि स्थानीय खासदार है, स्थानीय आमदार है और यहाँ के मंत्री जो है और इस थाने जिले के बहुत सारे आमदार और माजी आमदार, इन सबको हमने निमंत्रित किया है। और कुछ कॉरपोरेटर है जो अभी माजी नगर सेवक जो है वो भी सब आने वाले हैं।